गाइस, आप सभी भाई लोग स्कूल से आ गए हो ना, अभी तो फ्री हो ना, तो ये एपिसोड जरूर से एकदम एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं गलार रीजन के चैंपियन के साथ द अनडिफीटेबल द अनबीटेबल लियोन के साथ फाइट करने वाला हूं, और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये हार्डली गाइस एक दो मिनट में अभी आप सभी भाई को फाइट देखने को मिलेगा, तो बहुत ही भयंकर बैटल होने जा रहा है, ठीक है। एंड गाइस एक चीज आज मैं नोटिस कर रहा हूँ गाइस, इस होटल के यार लोगों में जैसे कि देख पा रहे हो, ये तो गाइस एजी स्लैश है ना। हाँ गाइस, एक एजी स्लैश है। एंड और एक चीज ये देख सकते हो, इसके पास भी गाइस एक एजी स्लैश है। एक मिनट, ये एजी स्लैश है कि नहीं? ये डुप्लेट है ना ब्रो? ओके, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ गाइस, ये डुप्लेट ही है गाइस। डुप्लेट नहीं गाइस, एजी, ये ना एजी ग्रुप का गाइस। मुझे यार इवोल्यूशन स्टेज मेरे को मालूम नहीं गाइस। डुप्लेट, एजी स्लैश और ये जो है गाइस, ये तो इन लोग के इवोल्यूशन स्टेजेस कैसे होते हैं गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट कर देना यार। मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे देने वाला हूँ, ठीक है। ये कमेंट कर देना कि इन लोग का इवोल्यूशन स्टेज क्या क्या है। ऑल राइट गाइस, तो मैं क्या बोल रहा था गाइस, अभी मैं फाइट करने वाला हूँ गलार रीजन के चैंपियन के साथ। एक भाई ने मेरे को कमेंट करा था कि बोल भाई, आप नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को यूज करके फाइट कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा बीस्ट ले सकते हो। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा यार, मैं तो नॉन लेजेंडरी ले लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नॉन लेजेंडरी के लेकर के लियोन के साथ तो फाइट कर लूंगा ब्रो। बट थिंग इज दैट गाइस, लियोन भी तो गाइस डेफिनेटली ये एक्सट्रीम शील्ड रैंडमाइजर है, राइट? तो वो भी गाइस डेफिनेटली यार लेजेंडरी पोकेमॉन्स, एक ही नहीं दो तीन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को लेने वाले। एंड गाइस, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि गाइस मैंने इटर्नेटस को पकड़ लिया था, एंड आज मैं इटर्नेटस को लेने वाला हूं। और इसको लेने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है, इसको लेने का बड़ा रीजन ये है कि गाइस इटर्नेटस को पहली बार गाइस मैं सुपर डायनामिक्स मतलब जायगंटामैक्स करा पाऊंगा, ओरिजिन फॉर्म में लेकर के आ पाऊंगा जब इसको डायनामिक्स करा पाऊंगा तो। एंड दूसरा जो दूसरा चीज है वो ये है कि गाइस, लियोन कल इटर्नेटस के साथ इतना भी अच्छी तरीके से बैटल नहीं कर पाया था, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। ऑल राइट गाइस, अभी तक अगर आप सभी भाई लोगों ने लाइक नहीं करा है, प्लीज लाइक कर दो वीडियो देखने के बाद, एक सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। एंड डायनामिक्स कैंडी मेरे पास है नहीं क्या? है ना ब्रो, बहुत सारा डायनामिक्स कैंडी है। इसको डिन व्हाट इट वोंट हैव एनी इफेक्ट, बट क्यों यार? ओके, ये पता नहीं क्यों, बट एचपी अब थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा, इसको एचपी अब देना पड़ेगा, बहुत सारा एचपी अब 26 तक दे देते हैं, क्योंकि मैं इसका एचपी बेस बहुत ज़्यादा भरा रहा हूँ। क्योंकि पता नहीं गाइस, लियोन बहुत खतरनाक बैटल करने वाला है ब्रो। यार एक्सट्रीम शील्ड रैंडमाइजर खेल रहे हैं, बाकी क्या, आप लोगों ने जिम लीडर्स को तो देखा ही है यार, हॉप को तो देखा ही है, हॉप ने मेरे को इतना गंदी तरीके से हराया था, तो आप लोग खुद से सोच सकते हो कि यार लियोन कैसा बैटल करेगा ब्रो। ऑल राइट गाइस, चलो इसको भी फटाक से लेवल अप कर लेते हैं। आप सभी भाइयों से मिलता हूँ डायरेक्ट विंडोन स्टेडियम में, ठीक है। 2 hours later यार गाइस, मैं होटल के बाहर जैसे ही आया, मेरे को यहाँ पे देखा कि लोग मेरे को चीयर अप कर रहे हैं, एट लास्ट द फाइनल मैच, ये देख रहे हो, ये देखो चैलेंजर बोल। चलो गाइस इन लोगों से बात करते हैं, ये भी कुछ बोल रहे हैं क्या, एट लास्ट फाइनल मैच ये? अरे नहीं यार, बस चैलेंजर बोल्ड बोल करके सारे के सारे लोग मेरे को चीयर अप कर रहे हैं, ये चीज़ देख करके मेरे को काफ़ी मज़ा आ गया। ऑल राइट गाइस, लेट्स गो। विंडम स्टेडियम तो काफ़ी दूर है, बट मैं इधर से डायरेक्ट जा पाऊँगा, लेट्स गो। वो रहा गाइस विंडम स्टेडियम। अरे गाइस, ये तो सबवे जा रहा है यार, ये देख रहे हो, ये तो सबवे है गाइस, ये तो मेट्रो जा रहा है यार, वाओ बढ़िया है यार। एंड गाइस, इसके बाद गाइस न्यू डीएलसीज भी खेलने वाला हूँ, क्राउन टुंड्रा और एक था ना, क्राउन टुंड्रा और कौन सा था गाइस, आर्मोर कुछ था, एक मिनट गाइस देख लेता हूँ, बैग में ही पड़ा होगा वो दोनों पास, ये की आइटम में होगा गाइस, एक मिनट। क्राउन पास एंड ये आर्मोर, कौन सा वाला आर्मोर है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, पास इजल ऑफ आर्मोर, आइल ऑफ आर्मोर, ठीक है, इजल नहीं, आइल ऑफ आर्मोर एंड क्राउन टुंड्रा, इन दोनों जगह मैं विजिट करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, ड्रैगन बॉल जी कैकरोट का अगर आप लोग एपिसोड फॉलो कर रहे हो तो गाइज न्यू एपिसोड कल आने वाला है। एंड ऑल्सो गाइज, गलार रीजन का चैंपियन बनने के बाद गाइज मैं सीनो रीजन में जाने वाला हूँ, डेट मीन्स गाइज मैं ब्रिलियन, यस गाइज ब्रिलियन डायमंड रैंडमाइजर खेलने वाला हूँ। अरे गाइज, कितने सारे लोग मेरे को चीयर अप कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड नोबेल बोल्ट इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच यार। ये देखो गाइज, आप सभी भाई लोगों के जैसे ही हैं, ये छोटी सी लड़की यार, आप लोग भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते हो ना, प्लीज कैन आई हैव एन ऑटोग्राफ भाई, मैं इतना भी महान हस्ती बना नहीं हूँ, ठीक है। ऑल राइट, अब देखते हैं, ऑल राइट लेट्स गो गाइज, लेट्स गो गाइज। यार अब तो गाइज इस स्टेडियम के बाहर में निकलने वाला हूँ चैंपियन बन करके, ठीक है, लेट्स गो। डर भी लग रहा है यार, पता नहीं क्या होने वाला है, बट डर को करते हैं साइड में, लेट्स गो टू बैटल गाइज। होल्ड ऑन गाइज, होल्ड ऑन गाइज, मैं भी यार गाइज, मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा, मैंने गाइज अपना यूनिफॉर्म चेंज ही नहीं किया।
ऐसे थोड़ी ना मैं बैटल कर पाऊंगा यार, मुझे प्रॉपर ऑफिशियल यार, ओके आई एम रेडी टू बीट लियोन, मुझे प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। ऑल राइट गाइज, तो गाइज लेट्स गो, गाइज कितने सारे लोग मेरे को चीयर अप कर रहे हैं, लेट्स गो बोल लियोन 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 इज आवर चैंपियन, लियोन इज आवर चैंपियन गाइज, ऐसे करके सारे लोग बोल रहे हैं। बट बोल बोल करके भी लोग बोल रहे हैं यार, बोई टीम चैंपियन, बी टीम चैंपियन, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट है, ऑब्वियसली अगेंस्ट तो होंगे ही ब्रो, यार चैंपियन है वो गलार रीजन का अनबीटेबल चैंपियन, तो उसको लोग क्यों पसंद नहीं करेंगे यार, मैं तो न्यू हूँ, डोंट गिव अप बोल्ट। तो यहाँ के लोग मेरे को चीयर अप कर रहे हैं जैसे कि देख पा रहे हो, लेट्स गो बोल्ट। बट यहाँ के लोग जैसे कि देख पा रहे हो लियोन, एक मिनट लियोन, एंड ये फिर से देखो, ये देखना ठीक है, ये देखो लियोन लियोन, एंड ये देखो बीट हिम लियोन, डोंट गिव अप बोल्ट, एंड यहाँ पे ओके। तो एक साइड मेरे को यार चीयर अप कर रहे हैं, एक साइड मेरे को हेट कर रहे हैं, हेट दे रहे हैं, मतलब लियोन को लव दे रहे हैं। यार मुझे डर लग रहा है यार, लियोन इज़ फाइनली हियर गाइज, द चैम्पियन ऑफ गलार रीजन, एंड ये चैम्पियनशिप गलार रीजन का ही नहीं गाइज, ये स्ट्रॉन्ग है ब्रो, ये यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। अगर आप लोग पोकेमोन फैन बेस के वहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्पियन में, तो गाइज लियोन वहाँ पे पड़ता है ब्रो, लियोन वहाँ पे पड़ने का बहुत बड़ा रीज़न है इसका जायगंटा मैक्स वाला चार्जर्ड। बट गाइज इसके जायगंटा मैक्स वाले चार्जर्ड को हरा दिया था ना पिकाचू ने, My matches are always sold out, but this I have never seen a crowd this wild. I really appreciate your hard work so far, Bolt. I know you are not to be underestimated, so today I will fight seriously. They think Charizard is my strongest Pokemon. Haha, even Raihan can't beat it. Those who fight with me and lose will lose their memories. That's why they only know my Charizard. समझे यहाँ पे क्या बोला? इसने ये बोला गाइस, इसने डायरेक्ट यार ये चीज बोल दिया, लोगों को सिर्फ चार्जर्ड क्यों पसंद है तेरे को पता है? क्योंकि मैंने आज तक के सिर्फ चार्जर्ड को ही निकला है, मतलब निकल करके फाइट किया हुआ है, मेरे पास और भी पोकेमॉन्स है, बट मेरा अकेला चार्जर्ड ही काफी है सारे के सारे पोकेमॉन्स को उड़ाने के लिए, ठीक है? तो इसका चार्जर्ड वन मैन पोकेमॉन है, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, वन मैन पोकेमॉन, वन पोकेमॉन, अरे समझ लो जो समझना है, ठीक है? मतलब इसका चार्जर्ड एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, एंड उस पिलर को यार तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आज मैं देखने वाला हूँ कि क्या गाइज मैं इसके चार्जर्ड को डिफीट कर पाऊंगा, लेट्स सी। ओह एंड यू हैव बीन एडेड इटर्नेटस टू योर पार्टी, इसको मालूम चल गया कि गाइज मैंने इटर्नेटस को अपने पार्टी में ऐड कर लिया है। द ग्रेटेस्ट चैलेंजर अलोंग विद द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन इज दैट इट। तो अभी थोड़ा सा लियोन को डर भी लग रहा है, क्योंकि गाइज लियोन ने इटर्नेटस को डिफीट नहीं कर पाया था, अब वो पावरफुल पोकेमॉन मेरे पास है। नाउ यू आर रियली गेटिंग मी एक्साइटेड, कम ऑन बोल्ट, लेट्स मेक दिस ए फाइनल मैच दैट विल गो डाउन इन गलार हिस्ट्री। बट इस बार गाइज लियोन भी गाइस लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करने वाला है, ए मैच दैट विल चेंज गलार फॉरएवर। आर यू रेडी टू लूज योर मेमोरीज? आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। चलो गाइज बैटल करते हैं, फिंगर्स क्रॉस गाइज, लियोन चैंपियन लियोन, जिसके देख पा रहे हो यहाँ पे सारे के सारे टैग्स लगे हुए हैं, जितना भी इसने मुकाबला लड़ा है सारे के सारे टैग्स इसके केप में लगे हुए हैं, अनबीटेबल लियोन। ये भी ऐसा करता है क्या? अच्छा गाइज हॉप भी ऐसा ही करता है, उरे बाप रे, इसका यार जर्सी नंबर देखा, नंबर वन, हु इज दिस? शिट, ये तो गाइस शैडो मोल्ट्रेस है मैन, इट्स वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द चैंपियन टू गेट द क्राउड फायर्ड अप। अरे ये मोल्ट्रेस तो है ना, ये हो है, बट मेरा ग्राउडन तो यार काफी ओपी है, मैं क्रैब हैमर मारूंगा इसके टकले पे, कैसा लगा यार हो? अब देखते हैं हो क्या मारेगा, ये सुपर इफेक्टिव है, आई वुड एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम योर टीम। अच्छा ये भाई ये शेडो हो ओह को यूज कर रहा है मैन, रॉकी हेलमेट, ओके ऑब्लिवियन विन विंग या विन क्या था गाइस, ये जो भी था यार मेरे ग्राउडन को थोड़ा सा हिला दिया मैन, एंड इसके पास एक एबिलिटी है रॉकी हेलमेट, उसके कारण क्या हो रहा है गाइस, मेरे ग्राउडन को काफी डैमेज पड़ रहा है, ठीक है? जैसे गाइस मैं फिर से यहाँ पे क्रैब हैमर मारूंगा, अब देखना कि ग्राउडन आई थिंक उड़ ही जाएगा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ओ उड़ तो नहीं गया ब्रो, बट इसका हेल्थ काफी कम हो गया यार, शेट, एंड ऊपर से गाइस इसने स्पाइक भी यूज करा। अब गाइस अगर मेरा टीम मेंबर कोई आएगा तो स्पाइक से उसको इफेक्ट पड़ेगा यार। चल ग्राउडन प्लीज तू कर ले ब्रो, इसको हरा दे मैन,
हो-ओक को फाइनली गाइस ग्राउडन ने हरा दिया, बट ग्राउडन भी गाइस फेंट होने वाला है। तो लियोन के एक पोकेमन को मैंने डिफीट कर दिया, बट लियोन ने भी गाइस मेरे एक पोकेमन को उड़ा दिया है ब्रो। अभी 1-on-1 हो रहा है, मैन दोनों का एक एक पोकेमन हो गया है स्टेडियम से बाहर। पापा को भेजते हैं, चलो गाइस, बट पापा को अभी स्पाइक से काफी फर्क पड़ने वाला। ये पॉइजन हो जाएगा ना, ये पॉइजन हो जाएगा ना। म्यूटो लुगिया भी है इसके पास, और वो भी शैडो लुगिया भाई। अरे भाई साहब, इसके पास शैडो टीम है क्या? गाइस इसके पास शैडो टीम है मैन, शैडो टीम है, बट अच्छा ही है, अच्छा है। मैं अब फैंटम फोर्स यूज करूंगा एंड पापा म्यूटो इसको डेफिनेटली उड़ाएगा ब्रो। पॉइजन गैस यूज कर रहा था ब्रो। लुगिया को दिखाता हूँ गाइस, कम ऑन म्यूटो, इसको उड़ा। वन शॉट तो बोल नहीं पाया, बट बहुत ही बढ़िया फटका दिया इसको, इट्स परफेक्ट। अब क्या यूज कर रहा है? फ्रेंजी प्लान। काफी फटका पड़ेगा ब्रो, काफी फटका पड़ेगा ये मेरे ऊपर। ओह शिट, इतना भी फटका नहीं पड़ा यार। अपना पापा म्यूटो इज वेरी स्ट्रांग यार। क्या मुकाबला हो रहा है मैन, क्या मुकाबला हो रहा है ब्रो। आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था ना कि इसके पास यार ऐसे ऐसे शैडो पोकेमॉन्स होंगे यार, और वो भी लेजेंडरी यार। मैंने भी नहीं सोचा था यार। ऑलराइट गाइस, मैं तो फिर से गायब हो गया हूँ। अब इसके पीछे से फिर से ढप्पा करेंगे। अच्छा, इसको रिचार्ज करना है, तो मैं बच गया ब्रो। अब गाइस मैं इसको ढप्पा मारने वाला हूँ। वैसे भी गाइस अगर ये मूव यूज़ भी कर लेता, म्यूटो तो अवॉइड ही कर देता, क्योंकि म्यूटो तो अभी गायब है ना। ऑलराइट म्यूटो, नाइस नाइस फटका। अब ये लुकिया क्या यूज करेगा? चलो पॉइजन गैस ये यूज मत कर ब्रो। म्यूटो ने अवॉइड कर डाला, थैंक यू सो मच म्यूटो, थैंक यू सो मच। एंड लेफ्ट ओवर से इन लोग का एचपी फुल होते जा रहा है, फुल होते ही जा रहा है गाइस। मुझे भी यार लेफ्ट ओवर ये अपने एक पोकेमॉन को दे देना चाहिए था यार। ये चीज मैं करूंगा, ये चीज मैं डेफिनेटली करूंगा। किसी एक पोकेमॉन को ये लेफ्ट ओवर चीज दे दूंगा तो उसको ना एचपी मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। ये देख रहे हो गाइस, लेफ्ट ओवर से कितना एचपी मिले जा रहा है मैन। शिट, म्यूटो कमान। अब तो म्यूटो इसका लाल बार में लेकर के डेफिनेटली आएगा ही। यस गाइस, रेड बार में आ चुका है। अगर गाइस इस बार लियोन कोई फुल रेस्टोर वेस्टोर यूज करेगा तो दिक्कत ही हो जाएगा। बट म्यूटो ने गाइस फिर से फ्रेंजी प्लान को अवॉइड कर डाला। इसका मतलब गाइस म्यूटो आई थिंक गाइस इस बार लुगिया को उड़ा पाएगा। गाइस फिंगर्स क्रॉस मेरा म्यूटो। अरे गाइस, यही चीज के लिए मुझे काफी गुस्सा आता है गाइस। फुल रेस्टोर फिर से यूज कर डाला ना गाइस, एंड ऊपर से गाइस मुझे दो मूव्स मिलेंगे में नहीं, ठीक है। देखते हैं गाइस दो मूव्स मिलेगा कि नहीं। म्यूटो यूज फैंटम फोर्स, देख रहे हो। शिट मैन, पॉइजन गैस यूज कर रहा है ब्रो। अब तो गाइस म्यूटो पॉइजन हो ही जाएगा मैन। मैं भी गाइस फुल रेस्टोर यूज कर डालूंगा यार, सिर्फ यही कर सकता है क्या? मुझे यार फेयरली गेम को खेलना था, बट गाइस इसने तो यार फुल रेस्टोर यूज कर ही डाला। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई बात नहीं ब्रो। पहले एक हिट तो लगाएंगे ब्रो इसको, एक हिट तो डेफिनेटली मैं इसको लगाने वाला हूँ फैंटम फोर्स का यूज करके। चलो म्यूटो कमान यार, इसको दिखा यार, लुगिया को दिखा भाई। फ्रीजिंग ग्लेयर यूज कर रहा था ब्रो, एक आइस टाइप मूव। एंड ये बार बार अपने लेफ्ट ओवर से अपने हेल्थ को रिजनरेट किए जा रहा है, रिजनरेट किए जा रहा है। म्यूटो का भी हेल्थ कम होते ही जा रहा है मैन। म्यूटो नाइस फटका मैन। अब गाइस मैं भी म्यूटो के ऊपर फुल रेस्टोर यूज करने वाला हूँ, बट फ्रीजिंग ग्लेयर इसने यूज करा। ओह शिट, क्या गाइस म्यूटो सर्वाइव कर पाएगा? म्यूटो ने सर्वाइव कर लिया यार, बट इसको यार पॉइजन से भी इफेक्ट पड़ेगा ना अभी गाइस, इसको पॉइजन से भी इफेक्ट पड़ेगा। बट मेरा म्यूटो तो ओपी है गाइस, कितना इफेक्ट पड़ा यार। चलो गाइस मैं भी यूज करने वाला हूँ, मैं भी यूज करूंगा फुल रेस्टोर। यस यस, मेरा पॉइजन भी चला गया गाइस, पॉइजन स्टेटस भी चला गया। अब गाइस मैं लुगिया को आराम से मार पाऊंगा। ड्रेन पंच यूज कर रहे हैं, मेरे ऊपर इतना फर्क नहीं रहेगा यार। अगर ये बग टाइप मूव यूज कर लेता, क्योंकि गाइस मैं एक साइकिक टाइप पोकेमॉन हूं, तब मेरे को फर्क पड़ता मैन। चलो गाइस, एंड इस लुगिया के पास सारे के सारे यार एचपी आर खींचने वाला मूव ही है क्या ब्रो? ये तब से पहली बार गाइस ये एचपी रेस्टोर कर रहा है लेफ्ट ओवर के मदद से। एंड देन गाइस इसने ड्रेन पंच मारा, जो कि यार एचपी को ही खींचता है। एंड देन गाइस हाँ वही ऐसे ही मूव्स यूज कर रहा है गाइस। ये पॉइजन गैस फिर से यूज कर रहा था, बट इस बार गाइस मेरे म्यूटो ने अवॉइड कर डाला। एंड लेफ्ट ओवर यार इसका बार बार एचपी फुल हो जा रहा है ना ब्रो, इसलिए मैं इसको डिफीट नहीं कर पा रहा हूँ मैन। कम ऑन म्यूटो फैंटम फोर्स, नाइस वन
नाइस वन। नेक्स्ट फटके में डेफिनेटली गैस में लुकिया को उड़ा पाऊंगा। पॉइजन गैस म्यूटो प्लीज अवॉइड कर। यस थैंक यू सो मच गैस, म्यूटो ने इस बार पॉइजन गैस को अवॉइड कर डाला। म्यूटो तेरा स्पीड काफी ओपी है यार, काफी ओपी है। ऑल राइट गाइस, लेट्स यूज फैंटम फोर्स अगेन। अब देखते हैं गैस इस बार मैं क्या लुकिया को, शैडो लुकिया को उड़ा पाऊंगा। देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा ब्रो। ओके गया, ओ नहीं गया यार, मेरे को लगा गया यार। पॉइजन गैस इस बार तो लगेगा गाइस, ये पॉइजन गैस मेरे ऊपर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तूने बहुत अच्छा फाइट करा, ठीक है। अब तो गाइस ये लुकिया डेफिनेटली हार ही जाएगा। अगर गाइस इसने गलती से भी फिर से गाइस फुल रेस्टोर यूज कर डाला ना, तो मुझे काफी गुस्सा आ जाएगा यार। शिट गाइस, पॉइजन गैस का इफेक्ट बार बार मेरे ऊपर पड़ रहा है मैन। कमान, म्यूटो तो कर सकता है ब्रो, तेरे ऊपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है मैन। ड्रेन पंच फिर से यूज कर रहा था, पर इस बार गाइस ये बचेगा नहीं। ये अपने एचपी को रिस्टोर तो कर रहा है, बट गाइस दिस टाइम ये बचेगा नहीं ब्रो, आप लोग देखिएगा, ठीक है। खत्म होने वाला है ब्रो अभी। चल म्यूटो अब तो उड़ा दे ब्रो इसको, खत्म। इसी के साथ गाइस म्यूटो का हुआ जीत, ठीक है। म्यूटो ने बहुत बढ़िया फाइट करा, लिटरली मजा सा आ गया। अब इसका तीसरा पोकेमन क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। गिरातिना भी है इसके पास, इसके पास गिरातिना है मैन। ओके गिरातिना है ना इसके पास, मैं यूज करूंगा गाइस किसको, डेफिनेटली गाइस कायोगर को। एंड इसको यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसका टाइप ड्रैगन नहीं है, एंड दूसरा चीज ये है कि गाइस गाइस इसने गिरातिना को निकाला। एंड ये भी शैडो गिरातिना मैन, ये भी शैडो गिरातिना यार, एन ओरिजिन फॉर्म मैन। अरे यार इसके पास तो सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन ही है खाली, मतलब इसके पास सिर्फ खाली बोलो बस, इसके पास खाली चार्जर्ड एक नॉर्मल पोकेमॉन है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैन। बाकी तो सारे के सारे इसके पास शैडो लेजेंडरी पोकेमॉन ही है। आइस बीम यूज कर रहा हूँ गाइस इसके पास, इसके ऊपर। कैसा लगा गिरातिना है, तेरा पंगा भी यार कायोगर के साथ हो रहा है, ठीक है। आई नो तू यार भूटिया डायमेंशन का भगवान है, बट कायोगर भी लॉर्ड ऑफ द सीज है, ठीक है। चलो गाइस इस बार आइस बीम मारेंगे एंड डेफिनेटली इसको उड़ा डालेंगे। ऑफस्ट्रक यूज कर रहा है ब्रो, अब गाइस नहीं लगेगा, गाइस आइस बीम लगेगा नहीं, प्रोटेक्ट हो जाएगा ना ब्रो। ये देख रहे हो प्रोटेक्ट कर दिया आपने आपको, गिरातिना ने यार स्ट्रेटेजिकली बैटल किया ये। अच्छा गुड वन गिरातिना, बट इस बार तो बच पाएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार। ओह शिट गाइस, मून जिस बीम मैन फटका तो पड़ेगा ब्रो। याइक, ओ बच गया ब्रो, बट गिरातिना तू तो नहीं बचेगा ना ब्रो, बाय बाय गिरातिना। इसी के साथ गाइस मैंने लियोन के थर्ड पोकेमॉन को भी उड़ा डाला। इसका थर्ड पोकेमॉन ही था ना ये, हाँ इसका थर्ड पोकेमॉन ही था। एंड इसका लेकिन हालत काफी खराब हो गया है। पाल क्या भी है इसके पास, इसके पास पाल क्या भी है मैं। उफ 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 जर्किट्री को भेजते हैं ब्रो। चलो पाल क्या है, अब तो डियाल्गा भी होगा डेफिनेटली, इसके पास डियाल्गा भी होगा डेफिनेटली, कैसे इसके पास डियाल्गा होगा। गॉड ऑफ स्पेस, गॉड ऑफ टाइम है। एंड ये भी शैडो पाल क्या, ये भी शैडो पाल क्या, गुड। पहली बात गाइस मैं प्रोटेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। ये क्या स्पेशल रैन, ये अपना मेन मूव यूज कर रहा था, बट गाइस मैंने स्ट्रेटेजिकली बैटल किया तो इसलिए मैं बच पाया मैं। अब गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फुल रेस्टोर यूज करने वाला हूँ कायोगर के ऊपर, क्योंकि गाइस कायोगर को मुझे वापस लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस ये क्या यूज करेगा, चलो देखते हैं। स्पेशल रन फिर से यूज कर रहा है ब्रो, ये ना पालकिया का मेन मूव है। आओ जर्किट्री, तू बच चुका है मैन, वेरी नाइस, बट जर्किट्री बच नहीं पाएगा मे बी गाइस। लियोन को गाइस दो मूव्स मिलेगा, ठीक है। चलो गाइस मैंने म्यूटो को भी फुल रेस्टोर से यार रिवाइव कर डाला। वैसे भी गाइस जर्किट्री मरने ही वाला है, स्पेशल रन फिर से यूज कर रहा है।
खत्म ब्रो। जड़केटी थैंक यू सो मच, तेरे कारण से मैं कायगर को और म्यूटो को वापस लेकर के आ पाऊंगा। यस चल कायगर तू जा ले ब्रो। आइस अटैक चाहिए गाइस मेरे को, ठीक है आइस टाइप अटैक चाहिए ताकि मैं इसको अच्छा वाला फटका दे सकूं। ओके ड्रिजल, ओके तो बारिश भी आ गया ब्रो अब तो गाइस कायगर का। ओ एक मिनट गाइस यार इसके ऊपर ये सुपर इफेक्टिव क्यों नहीं दिखा रहा है। बोल स्ट्राइक क्या गाइस ये क्या ये क्या शीश शीश हो गया ब्रो। बोल स्ट्राइक शीश हो गया मैन, दो बार लगा मैन। एमिंग फॉर सुपर इफेक्टिव हिट्स इज ए स्योर फायर वे। अच्छे आइस भी यूज कर रहा हूँ इस पालकिया के ऊपर, देखते हैं इस पालकिया को कितना फर्क पड़ेगा। उतना भी फर्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। मैं फिर से आइस भी यूज करने वाला हूँ। बोल स्ट्राइक इस बार तो क्या गाइस कायगर क्या शीश 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 हो गया मैन। पापा को भेजना ही पड़ेगा ब्रो, पापा तो बैन बजाएगा ब्रो डेफिनेटली। मुझे ये चीज तो मालूम है ब्रो कि म्यूटो इसको डेफिनेटली उड़ा पाएगा। यार ये स्पाइक्स इसने प्लॉट करके रखा है ना, तो बार बार मुझे स्पाइक्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। फैंटम फोर्स यूज करता हूँ, चलो गाइस गायब हो जाएंगे ब्रो। ये भी डेफिनेटली गाइस स्पेशल रैंड यूज करेगा म्यूटो के ऊपर फिर से। ये देख रहे हो स्पेशल रैंड पे स्पेशल रैंड, भाई कितना यूज करेगा, पीपी खर्च हो रहा है गाइस इसका। चलो सही बात है स्पेशल रैंड आई थिंक 5 ही होगा। ऊपर से गाइस इसने 3 तो यूज कर ही डाला। पालकिया यूज फैंटम फोर्स, ओके इसने फैंटम फोर्स यूज करा। अब गाइस मैं भी फैंटम फोर्स ही यूज करने वाला हूँ, मैं भी फैंटम फोर्स यूज करूंगा, मैं भी गायब हो जाऊंगा। अब पालकिया का फैंटम फोर्स तो मेरे ऊपर लगेगा नहीं, बट मेरा फैंटम फोर्स इसके ऊपर डेफिनेटली लगेगा ब्रो। अवॉइड कर डाला। हे कैसा लगा पालकिया? अब यार पापा तेरे को बैन बचाएगा, कैसे देखेगा तू। कम ऑन म्यूटो, यस यस गाइस फैंटम फोर्स फिर से यूज कर रहा है। बट गाइस इस बार मेरे पास फैंटम फोर्स और है नहीं, तो मैं ना गाइस 1000 एरोज यूज करने वाला हूं। क्या म्यूटो शायद से उड़ सकता है? सुपर इफेक्टिव मूव था बट गाइस म्यूटो ने सर्वाइव कर लिया। ये चीज मेरे को देख करके काफी मजा आया। चलो गाइस फिर से 1000 एरोज यूज करते हैं एंड पालकिया को खत्म कर देते हैं। म्यूटो बहुत बढ़िया गाइस, इसी के साथ गाइस म्यूटो ने पालकिया को उड़ा दिया ब्रो। शैडो पालकिया को डियाल्गा आने वाला है ब्रो, अभी डियाल्गा आने वाला है गाइस अभी। हां मेरे को लगा ही था आरसीएस को भी भेजेगा क्या? नहीं 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 आरसीएस तो इसके पास हो ही नहीं सकता ब्रो, कैसे हो सकता है ब्रो इसके पास आरसीएस। वाह ये डियाल्गा कितना सुंदर लग रहा है। मैं क्लोज कॉम्बैट मारेंगे ना इसके ऊपर, कमान म्यूटो इसको दिखा दे ब्रो। वन शॉट ओरी गाइस ऑलमोस्ट वन शॉट होते रह गया मैन। यार म्यूटो भाई तू यार सीरियसली ओपी है, मेरे को ये चीज तो मालूम पड़ गया। रोड ऑफ टाइम शिट गाइस ये यार डियाल्गा का मेन मूव है, मुझे लगा ही था गाइस रोड ऑफ टाइम से म्यूटो उड़ जाएगा। मैं मेरे पास सिर्फ दो ही पोकेमॉन है, चार्जर्ड। कमान क्या चार्जर्ड गाइस शेडो डियाल्गा को उड़ा पाएगा? एरप्शन यूज करते गाइस, यही एक उपाय है गाइस डियाल्गा को उड़ाने का। एरप्शन से शायद से उड़ा देगा। उड़ा दिया गाइस। अब गाइस इसका भी गाइस चार्जर्ड निकलने वाला है। स्विच करूंगा, इटर्नेटस को भेजेंगे ब्रो। इटर्नेटस वर्सेस चार्जर्ड होने वाला है गाइस अभी। एंड एक चीज तो आप सभी भाई को पता है कि यार इसका चार्जर्ड बहुत ज़रा स्ट्रॉन्ग है गाइस। ये चार्जर्ड को यूज करेगा भी या नहीं? आई एम नॉट फिनिश हैविंग ए चैंपियन टाइम हियर एंड आई वोंट लेट एनीवन एल्स फिनिश इट फॉर मी। मेरा कंट्रोलर गिर गया मैन, लिटरली खराब हो गया क्या गाइस? मेरे को सीरियसली लगा नहीं था कि गाइस ये आर्कियस को यूज करेगा और वो भी लेवल 100 का। दोनों ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमन का बैटल होने वाला है ब्रो। डायनामिक्स कैनन यूज करते, चलो मैं गया ब्रो।
मैं इसके आरकेएस को डिफीट नहीं कर पाऊंगा मैं यार, इटर्निटस डायनामिक्स भी नहीं कर सकता मैं, इटर्निटस डायनामिक्स भी नहीं कर सकता मैं। मेरा तो आज बैन बजने वाला है, ये बोल रहा हूँ गाइस, मेरा तो आज बैन बजने वाला है, ये मेरा बैन बजाएगा ब्रो। मैं डायनामिक्स कैनन यूज कर रहा हूँ, इसका एक वंडर गार्ड करके कुछ है जिसके कारण गाइस मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ। अरे यार इसका वंडर गार्ड ना मेरे एक भी अटैक को जाने ही नहीं दे रहा है यार, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि गाइस मैं इसको हरा सकता हूं। चलो गाइस मैं भी जायकंटा मैक्स करता हूँ यार, काफी टेंशन वाला माहौल हो गया है अभी। मैक्स डार्कनेस यूज कर रहे हैं, चार्जर क्या क्या फटका दिया मैंने, क्या फटका दिया। नहीं 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 गाइस, एक बार में तो मैं लियोन को नहीं उड़ा पाऊंगा। अरे यार वंडर, चलो शुक्र है कि गाइस ये ना छोटा हो गया, एस्ट्रल बड़ाज यूज कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि गाइस मैं इसको उड़ा पाऊंगा, मैं जीमैक्स वाइल्ड फायर यूज कर रहा हूँ। नहीं मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा कि गाइस मैं इसको कैसे हराऊंगा, ठीक है। मैं किसी एक पोकेमन को जिंदा करने वाला हूं, म्यूटो को ही जिंदा कर देते हैं। चलो देखते हैं म्यूटो क्या है, इसका वंडर गार्ड तोड़ पाएगा। डार्क पल्स ये गया यार, चार्जर चार्जर गया यार। लास्ट पोकेमॉन, नहीं होगा ब्रो। अगर इसका वंडर गार्ड मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा तो गाइस कैसे चलेगा मैन। हार चुका हूं गाइस, शेट मैन शेट मैन शेट शेट शेट। और मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन है ही नहीं, मेरे पास ऐसा भी कोई पोकेमॉन है नहीं कि यार इसका वंडर गार्ड मैं तोड़ सकूं। One eternity later. Guys, मुझे लगा ही था कि चैंपियन लियोन मुझे पहली बार में हरा देगा, बट गाइस इस बार चैंपियन लियोन मेरे को हरा नहीं पाएगा, क्यों आप सभी भाइयों को मालूम पड़ेगा। चलो गाइस बैटल ग्राउंड में चलते हैं, एंड गाइस इस बार लियोन बचेगा नहीं, ठीक है। उसके पास आर्कियस है, बट गाइस मेरे पास अभी ऐसे दो पोकेमॉन्स है जो यार बैटल ग्राउंड में तहस नहस कर देगा। एंड आर्सियस को मैं डिफीट नहीं कर पाया था क्योंकि गाइस आर्सियस के पास वंडर गार्ड था, वंडर गार्ड को मैं आराम से तोड़ पाऊंगा गाइस, इस बार आराम से तोड़ पाऊंगा। एंड इसके मुझे सारे पोकेमॉन्स के बारे में मालूम पड़ गया, तो यस ये चार्जर्ड को यूज नहीं करने वाला है, चार्जर्ड के जगह गाइस ये आर्कियस को यूज कर रहे हैं। गॉड ऑफ पोकेमॉन, ऑलराइट। चलो गाइस ये सब स्किप कर देता हूं, डायरेक्ट फाइट करते हैं। चलो इतना स्ट्रॉन्ग है गाइस, मैंने सोचा ही नहीं था कि गाइस ये इतना स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस ये चैंपियन लियोन। ये चश्मा खोल लेता हूँ ब्रो, अब यार एकदम कंसंट्रेट करके मुझे बैटल करना पड़ेगा, या तो आर या फिर पार, ठीक है लेट्स डू इट।
एक बार सबक सीख चुका हूँ कि गाइस लियोन को हल्के में नहीं लेना है, ये नंबर वन है गाइस, इसके पीछे जर्सी नंबर जो है गाइस नंबर वन, इट इज़ सो ट्रू गाइस। एंड मेरे सारे के सारे पोकेमॉन सभी लेवल 100, 100, 199 ऐसे होंगे, ठीक है। अब गाइस ये बचेगा तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, इसको तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, लेवल 99 वर्सेस लेवल 80। ऑलराइट, चलो कम ऑन, अच्छा फटका। अगर गाइस इस बार इसने फुल रेस्टोर यूज करा ना तो दिक्कत ही हो जाएगा। एंड ये रॉकी हेलमेट भी पहना हुआ है तो इसलिए गाइस मुझे डैमेज पड़ा, बट गाइस मैं भी रॉकी हेलमेट पहना हुआ हूँ, ठीक है। एंड गाइस इसने मेरे पोकेमॉन को स्विच करा दिया, लेवल 100 का कायोगर आ चुका है। चल ये तूने गलत चीज कर लिया ब्रो। वही थे मैंने गाइस, अब इसको तो सबक डेफिनेटली मैं सिखाने वाला हूँ सर्व यूज करके। कम ऑन, बाय बाय। Ho-Oh has been defeated, guys. Lugia. ये है मेरे पोकेमॉन्स, जैसे कि देख पा रहे हो। These are my Pokemons, guys. Zygarde को देख करके आप लोग शॉक हो चुके हो ना? यही तो guys मेरा मेन पोकेमॉन है अभी। हार के रख देगा। जायगेट का भी 50% रूप है, बट गाइस मैं उसको 100% एंड फाइनल रूप में लेकर के आने वाला हूँ बैटल ग्राउंड में। शैडो लुकिया इज हियर, वेरी मच फाइन गाइस। इस बार म्यूटो तो छोड़ेगा नहीं ब्रो। मैं एक चीज करूंगा, मैं टॉक्सिक स्पाइक पहले यूज करना चाहूंगा क्योंकि इससे आर्कियस को काफी फटका पड़ेगा, ठीक है। अब जितने भी पोकेमॉन्स आएंगे सारे के सारे को गाइस पॉइजन से इफेक्ट पड़ेंगे। ये पॉइजन गैस यूज करे, चल कर ले ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। ये पॉइजन गैस यूज करना है, इसको लेने दिया गाइस मैंने, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली बैटल करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो हरा नहीं पाएंगे। नाउ लेट्स यूज गाइस फैंटम फोर्स। अब देखते हैं गाइस लुगिया को एक ही फटके में उड़ा पाएंगे कि नहीं। ऑलराइट, लुगिया के पास गाइस लेफ्ट ओवर्स भी रहते हैं तो इसलिए लुगिया को एक बार में हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। फ्रेंजी प्लान फिर से यूज कर रहा है गाइस ये। ओके, पापा म्यूटो इफेक्ट हो चुका है ना गाइस। एंड ये देख रहे हो, इसको लेफ्ट ओवर से काफी यार एचपी यार इसका फुल होता रहेगा अभी टाइम टू टाइम। चलो फिर से फैंटम फोर्स यूज करते हैं। म्यूटो का हेल्थ तो काफी कम हो चुका है गाइस। फैंटम फोर्स कम ऑन म्यूटो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फ्रेंजी प्लान यूज कर, शायद से म्यूटो बचेगा नहीं ब्रो। म्यूटो बचा तो नहीं, बट म्यूटो ने बहुत अच्छा फाइट करा। ओके, ऑल राइट गाइस, इटर्नेटस को लाते हैं। चलो यार बैटल को ऐसा ही फाइट करना पड़ेगा यार, मुझे सीरियसली एकदम सीरियसली बैटल करना पड़ेगा। चलो डायनामिक्स कैनन यूज करते हैं इसके ऊपर। यस, इटर्नेटस कमन डायनामिक्स कैनन, ये काफी ओपी मूव है गाइस, इटर्नेटस का मेन मूव। एंड इससे तो शायद से गाइस मैं लुकिया को उड़ा ही पाऊंगा। यस, आराम से उड़ा डाला गाइस। ग्राउडन भी लेवल 100 का हो चुका है, बहुत बढ़िया। डियाल्गा, कायोगर को लाते हैं गाइस। इस बार पालकिया के पहले गाइस डियाल्गा आया है, चलो सही बात है। कम ऑन कायोगर, वन हिट देना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। ओ शूट यार, इसको टॉक्सिक से फर्क क्यों नहीं पड़ा मैन।
होली, मैंने टॉक्सिक स्पाइक यूज करा था ना, उससे यार डियाल्गा को तो यार इफेक्ट पड़ना चाहिए था, पड़ा क्यों नहीं गाइस? शिट, गलत ही चीज हो रहा है मैन। आइस बीम से काफी खतरनाक हमला पड़ा गाइस, स्टेल ट्रॉक यूज कर लेते हैं ना गाइस। ओह शिट, रोड ऑफ टाइम यूज कर डाला इसने, ये भी बहुत बढ़िया खेल रहे गाइस। कायोगर भी गया गाइस, ऐसे कैसे होगा गाइस, ऐसे कैसे होगा? यार गाइस मैंने ये क्या कर डाला यार, यार मेरे को हेक्सोरस को यूज करना था, मैंने जर्की ट्री को ही लेकर क्या आ गया यार। शिट यार, जर्की ट्री के पास यार मोल ब्रेकर था ना, गलत ही चीज कर लेता हूं यार। ये तो गया ब्रो, डियाल्गा तो गया। ओके यस, आई वांट टू स्विच माय पोकेमन। स्विच करके गाइस मुझे कायोगर को जिंदा करना पड़ेगा गाइस, एंड फिर स्टेल्थ रॉक यूज करना पड़ेगा। स्टेल्थ रॉक से गाइस टाइम टू टाइम डैमेज। ओ नहीं यार, स्टेल्थ रॉक नहीं गाइस, मुझे यार म्यूटो को जिंदा करना पड़ेगा। टॉक्सिक स्पाइक्स तो काम ही नहीं आया ब्रो। ओ काम आया, काम आया गाइस, टॉक्सिक स्पाइक्स काम आए, बहुत बढ़िया। फिर तो गाइस अच्छा है, फिर गाइस सही है। बट स्टिल गाइस आई एम गोना रिवाइव म्यूटो, रिवाइव कर लेते हैं गाइस म्यूटो को। स्पेशल रैंड यूज कर रहा है गाइस, अच्छा फटका दिया ब्रो, ऊपर से बर्न भी हो गया क्या मैं? ऑल राइट, मैं डिचार्ज यूज करता हूं, चलो देखते हैं गाइस इसको इस इलेक्ट्रिकल हमले से। बहुत अच्छा फटका पड़ा यार, स्पेशल रैन फिर से यूज कर रहा है गाइस ये। जर्की ट्री तो खत्म हो जाएगा ब्रो, बट जर्की ट्री ने एक बहुत बढ़िया काम करा कि यार पालकिया का हेल्थ बहुत ही कम करके चला गया वो। बट यार हेक्सोरस को लेकर के आना चाहिए था यार, मोल ब्रेकर ना गाइस आरसीएस के वंडर गार्ड को तोड़ता है गाइस। चलो गाइस इटर्नेटस को वापस लेकर के आने का वक्त आ चुका है। ओके ड्रैगन पल्स यूज करना, चलो इसके ऊपर खत्म। पालकिया को भी उड़ा दिया यार इटर्नेटस ने। अब इसके पास और कौन सा पोकेमॉन होगा? अब डायरेक्ट आर्कियस को निकालेगा ना। अच्छा गिरातिना भी तो है इसके पास, स्विच नहीं डायरेक्ट लड़ेंगे इसके साथ, ड्रैगन घोस्ट टाइप। दोनों ही गाइस मेरे को थोड़ा सा सेम ही लग रहे हैं यार। ऑल राइट, आई एम गोना यूज डायनामिक्स कैनन अगेन गाइस। नाइस, वन शॉट बोल दिया यार, बहुत बढ़िया इटर्नेटस, बहुत बढ़िया। शिट गाइस आर्कियस, मैं जाइगार्ड को भेजता हूं, चलो जाइगार्ड का मूव्स इसको तोड़ पाएगा कि नहीं वंडर गार्ड को, आई डोंट नो गाइस। आर्कियस वर्सेस जाइगार्ड, ये भी पॉइजन हो चुका है, ये तो बहुत बढ़िया हो चुका है कि गाइस ये पॉइजन हो चुका है। नाउ गाइस बैग में जाते हैं गाइस, इसको मैं यार फाइनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकता हूं ना, ड्रैगोमीटियर से शायद से इसको फटका पड़ भी सकता है। चलो गाइस देखते हैं। ओ मैंने डायनेमिक्स क्यों करा यार, मेरे को डायनेमिक्स नहीं कराना चाहिए था क्योंकि इनडायरेक्ट मूव से इसको फटका पड़ता है ना, तो गाइस ड्रैको मीटियर से भी इसको फटका पड़ता है यार।
अगर मैं इसको फाइनल फॉर्म में लेके आ सकता था तब बढ़िया होता यार। मेरे पास है गाइस जाइगर्ड वाला क्यूब भी है जिसके जिसके सहारे गाइस मैं इसको ना फॉर्म भी चेंज कर सकता हूँ, बट पता नहीं गाइस मैं इसका फॉर्म क्यों चेंज नहीं कर पाया यार। मेरा जाइगर्ड तो आई थिंक हार ही जाएगा यार, क्या हमला मारा यार इसने। आर्शियस को सिर्फ अभी यार पॉइजन के इफेक्ट से ही यार, नहीं यार वंडरगार्ड, वंडरगार्ड से कुछ मैं इसको कर नहीं पाऊंगा मैन। ओ ओ आई थिंक गाइस मैं अभी फाइनल फॉर्म में आ जाने वाला हूँ। यस गाइस जाइगर्ड इज हियर गाइस, फाइनल फॉर्म वाला जाइगर्ड कंप्लीट फॉर्म में गाइस ये आ चुका है। मे बी गाइस मैक्स क्वेक से मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, देखते हैं। पर आर्केस बहुत ज़रा स्ट्रॉन्ग है यार, जाइगर्ड को ये उड़ा देगा ब्रो। बट जाइगर्ड का आप लोग एच पी देख पा रहे हो 1090 ब्रो। ओ यार वंडरगार्ड ना गाइस, वंडरगार्ड ना गाइस यार आर्ट क्वेक को भी यार सह लेता है यार, कितना पावरफुल मूव है। मुझे इसका अटैक जैसे तैसे करके सर्वाइव करना ही पड़ेगा ब्रो। प्रोटेक्ट कौन से वाले पोकेमन के पास है, मुझे रिवाइव करना पड़ेगा गाइस। यस जर्किट्री को रिवाइव करना पड़ेगा, दो रीजन के लिए ये चीज कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं अभी प्रोटेक्ट का गेम खेलने वाला हूँ गाइस। जब मैं प्रोटेक्ट 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 ऐसे करता रहूंगा तो आरकेएस मेरे को कुछ भी कर नहीं पाएगा, ठीक है। यस क्या जाइगर्ड को तो हरा दिया यार आरकेएस, ऑब्वियसली जाइगर्ड तो हराएगा यार गॉड ऑफ पोकेमन। बट मैं भी कुछ गेम खेलने वाला हूँ मैन, मैं अब गेम खेलने वाला हूँ। इसका डायनामिक्स फॉर्म अभी खत्म होने वाला है, लेट्स ब्रिंग हिम। जर्किट्री टू आ जा। इसका डायनामिक्स फॉर्म अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? और अच्छा हो गया गाइस। शिट गाइस शिट, चलो प्रोटेक्ट यूज करते हैं। एंड प्रोटेक्ट से मैं इसका अटैक तो सह लूंगा गाइस, एंड इसको पॉइजन से इफेक्ट पड़ता रहेगा, ठीक है। लेंस रेड यूज करा एंड मैंने प्रोटेक्ट करा, देखा ना। अब यही गेम खेलना पड़ेगा गाइस, अब यही गेम से इसको डिफीट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको डिफीट कर नहीं पाऊंगा। फिर से प्रोटेक्ट यूज करना पड़ेगा। यस क्या यूज करेगा, लेंस रेड फिर से यूज कर रहा है। बट गाइस जर्किट्री ने फिर से यार इस मूव को सह लिया। क्या सिर्फ इसके पास ही यार गार्ड हो सकता है, मेरे पास भी गार्ड है यार। इसका यार आर्कियस यार शेडो वाला आर्कियस है यार, इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह शिट गाइस इस बार तो प्रोटेक्ट फेल ही हो गया एंड मेरे ऊपर लग गया लेंस रेड। जर्किट्री ने इसको तो सह लिया मैन, बहुत बढ़िया। ओह यस अब तो लाल बार में आ गया ना, यस गाइस लाल बार में आ चुका है। चलो गाइस प्रोटेक्ट यूज करते इस बार तो प्रोटेक्ट। अरे गाइस इसने यार फुल रेस्टोर यूज कर डाला यार, इसने यार फुल रेस्टोर यूज कर डाला यार। ओह नो गाइस एंड मेरा तो प्रोटेक्ट लग ही नहीं रहा है। मैंने रिवाइव से यार जाइगर्ड को फिर से जिंदा कर लिया है, ये तो गया ब्रो। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा ही बैटल करना पड़ेगा गाइस। टॉक्सिक स्पाइक्स नहीं, इनडायरेक्ट हमला कैसे कर पाएंगे गाइस इसको, इनडायरेक्ट हमला वाला मेरे पास कुछ है ही नहीं। इनडायरेक्ट हमला इसको कर भी नहीं पाएंगे ब्रो, आई हैव नथिंग दैट कैन डू हिम इनडायरेक्ट हमला यार। सारे के सारे गाइस डायरेक्ट हमले वाले हैं चीजें हैं, जा ले ब्रो। अगर यार हेक्सोरस होता तब गाइस मैं इसका वंडरगार्ड तोड़ देता यार। हेक्सोरस को कैसे भूल गया यार, ड्रेको मीटियर यूज करके देखते हैं। ये तो गाइस एक इनडायरेक्ट हमला ही है ना गाइस, ड्रेको मीटियर एस्ट्रल बराज यूज कर रहे हैं। ओके ड्रेकोमीटर, ये ड्रेकोमीटियर को कैसे गाइस इसने सह लिया, ये तो इनडायरेक्ट हमला ही है ना। अब गाइस कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
जर्की ट्री को ही जिंदा करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो और कुछ उपाय है ही नहीं मेरे पास। एस्ट्रल बड़ा फिर से यूज कर रहा है यार, इसको कैसे हराऊंगा गाइस, इसको कैसे हराऊंगा यार। मेरे जाइगेट के पास रॉकी हेलमेट है इसलिए गाइस इसको यार काफी फटका पड़ रहा है मैन। अब और एक पोकेमन को जिंदा कर देते हैं गाइस, और वो है गाइस कायोगर को। एस्ट्रल बड़ा फिर से यूज कर रहा है, जाइगेट गया। यार गाइस क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार, इतना पावरफुल मुकाबला होगा मेरे को लगा ही नहीं था, मेरे को लगा ही नहीं था सीरियसली। अब गाइस मैं कायोगर को बहुत ही कमाल के रीजन के लिए लेकर के आया हूँ, और वो रीजन ये है कि गाइस इसके पास एक इनडायरेक्ट अटैक है, और वो इनडायरेक्ट अटैक ये है गाइस, स्टेल्थ रॉक्स। यस गाइस स्टेल्थ रॉक ये इनडायरेक्टली इसको डैमेज देगा। डार्क पल्स यूज कर रहा है ब्रो। ओके यस, ये तो लगेगा ब्रो, देख रहे हो ये इसको फटका देगा ब्रो, ये इनडायरेक्ट अटैक्स हैं तो ये लगते हैं। आइस बीम यूज करते हैं, डार्क पल्स फिर से यूज कर रहा है ब्रो। ये दो दो बार तो गाइस ये फुल रेस्टोर यूज नहीं करने वाला है फॉर श्योर। आइस बीम नहीं, वंडर गार्ड ने इसको भी ब्लॉक कर डाला। स्टेल्थ रॉक से इसको फटका पड़ेगा फॉर श्योर। मैं सर्व यूज करता हूँ, सर्व इनडायरेक्ट अटैक नहीं है गाइस। डार्क पल्स हाँ उड़ा दे मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, गेस उड़ा दे। गॉड ऑफ पोकेमन को कैसे डिफीट कर रहा हूं गाइस, आप लोग देख पा रहे हो। प्रोटेक्ट करते हैं, चलो क्या यूज करेगा, चलो देखते हैं। लैंस रेड बच गया मैं ब्रो, इसको तो अब कुछ भी फटका नहीं पड़ रहा है मैन। मैक्स रिवाइव यूज करके गाइस, म्यूटो तो ऑलरेडी है गाइस इधर। प्रोटेक्ट फिर से यूज करके देखते हैं, बट इट फेल गया ये क्या एक ही फटके में उड़ा डाला यार। आर्कियस ऑलमोस्ट हारने ही वाला है गाइस, आर्कियस हार जाएगा, आर्कियस हार जाएगा गाइस। ये टॉक्सिक स्पाइक्स अभी काम नहीं आएंगे क्योंकि ये आर्कियस ऑलरेडी इधर है, फिर भी मैं यार ऐसे मार रहा हूं ये चीज इसके ऊपर। डार्क पल्स यूज कर रहा है ब्रो, क्या ब्रो म्यूटो तो गया नहीं ब्रो। ओ आर्कियस जाने वाला है, लेकिन आर्कियस जाने वाला है, जाइगर्ड को जिंदा कर देते हैं। चलो मैं लियोन को डेफिनेटली हरा पाऊंगा गाइस, एस्ट्रल बराज फिर से यूज करा, एंड आई थिंक गाइस आर्कियस इस बार हार ही जाएगा, देखते हैं क्योंकि एस्ट्रल बराज से इसको काफी फटके पड़ रहे हैं। आई थिंक गाइस मैं भी जीत गया हूँ, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। यस ओ नहीं यार, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं यार, बट इस बार डेफिनेटली जीतेंगे गाइस, इस बार डेफिनेटली जीतेंगे। कम ऑन लैंस रेड मैं भी यूज करके देखो क्या, एक बार यूज कर रहा है गाइस ये भी लैंस रेड। गया गाइस आरसीएस गया, इसी के साथ गाइस मैं चैंपियन बन गया। ओ भाई साहब इसी के साथ गाइस मैंने आरकेएस को हरा दिया एंड मैं जीत चुका हूं। इसने कैप उड़ा दिया और ये कैप, ओके माय टाइम एज चैंपियन इज ओवर, बट व्हाट ए चैंपियन टाइम इट्स बीन, थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट बैटल आई हैव एवर हैड, वाओ 24,000। ओ फाइनली गाइस चैंपियन बन चुका हूँ, हॉल ऑफ फेम में अभी मेरा भी नाम आएगा। तो गाइस ये अपने अल्ट्रा बॉल को क्यों देख रहे हैं यार, कुछ हुआ क्या यार, सारे के सारे लोग यार बहुत खुश हैं यार, जैसे कि देख पा रहे हो, यानी अपने अल्ट्रा बॉल को बार बार क्यों देखे जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल्ट, You have beat the unbeatable champion, making you the new champion of region. You have become a first rated. I offer you my heartfelt congratulations, guys. मैं गाला रीजन का चैंपियन बन चुका हूँ।
लियोन को हरा करके। गाइस मैं गलार रीजन का चैंपियन बन चुका हूं, मैंने अनबीटेबल अनडिफीटेबल लियोन को हराया, इसी ने मेरे को एंडोर्स किया था गाइस जिम बैटल के लिए, एंड आज मैंने इसी को सरपास करके चैंपियन बन गया। हॉप भी बहुत ज़्यादा खुश है गाइस, बीडे तो काफ़ी गुस्से में है, देख रहे हो आई एम द चैंपियन गाइस, आई एम द चैंपियन, हियर यू हैव इट, ए न्यू लेजेंड बॉर्न राइट बिफोर योर आईज, योर चैंपियन बोल्ट, ए न्यू लेजेंड गाइस। But bet you can't wait to see what kind of future a kid with this kind of strength. हाँ guys, एक बच्चा एक champion बन गया guys इस उम्र में, तो आप लोग सोच सकते हो मतलब champion Leon ये बोल रहे तो ये आगे जा करके क्या करेगा। Pokemon Shield has been finished, खत्म guys खत्म, but guys Crown Tundra और Isle of Armor अभी भी बाकी है, तो मिलते हैं guys अगले episode में, bye bye.